तो देहरादून में आज ये दूसरी भी जो नई टनल बनी है वो भी बन के तैयार हो गई है और अब ट्रैफिक इसमें से जाना शुरू हो गया है। तो आज ये जो पहले एक टनल बन चुकी थी, सबसे पुरानी तो डाट मंदिर वाली थी, दूसरी बन चुकी थी और ये तीसरी टनल अब जो है बन के तैयार है और इसमें से आज पहली बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है इस टनल से। तो ये भी जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नया बन रहा है उसी का एक तीसरी टनल का निर्माण किया गया है। तो आज इसमें से पहली बार सफ़र किया है मैंने। आज तारीख है 20 नवंबर 2023 और इस टनल का पहला सफ़र। तो अब धीरे धीरे जो एक्सप्रेसवे नया बन रहा है, ये एलिवेटेड हाईवे, उसका जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होने शुरू हुए हैं और ये इस तरीके से इन्होंने शायद इसको खोला है और उस वाली टनल पे अभी कुछ काम चल रहा है। तो ये बराबर में वाली टनल है जिसमें पहले ट्रैफिक जाया करता था और उससे ऊपर फिर वो डाट मंदिर पुरानी वाली टनल जिससे काफ़ी लंबे समय तक ट्रैफिक चला और अब ये नया बन के तैयार हो गया है। मार्ग नीचे वाले मार्ग से थोड़ा ऊपर ऊपर है, ये हाइट पे लेके गए हैं और यहाँ एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी हुआ करता था तो इस रास्ते के लिए फिर उसको हटाया गया है। तो धीरे धीरे ये एक्सप्रेसवे के जो कार्य हैं गति पकड़ रहे हैं और एक हिस्सा देहरादून में एंट्री पॉइंट खोल दिया गया है एक्सप्रेसवे का। जो कि अभी यहाँ आकर नीचे मिल गया है,